हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। तो गाइस मैं मंदिर में आई ही हूँ, पता वता लगा के किसी से पूछ के आ गया। गाइस पता तो नहीं था मंदिर के बारे में, तो वैसे दो चार बंदों से पूछा तो पहुँच गया बालाजी के दरबार पे। जय श्री राम। तो गाइस काफ़ी बढ़िया पूजा पाठ हो रही है यहाँ पे, श्रद्धालु आए हुए हैं। बालाजी के दर्शन करिए गाइस, साक्षात बालाजी के दर्शन करिए। तो गाइस क्लियरिटी आ रही होगी। अभी टाइम हो रहा है 8:32। तो भाई साक्षात बालाजी के दर्शन कीजिए। जय श्री राम। तो भाई इतना प्यारा सजा रखा है ना, इतना प्यारा श्रृंगार कर रखा है ना यहाँ पे, गजब यार। गाई आज तो बजरंग बली का दिन है गाई। जय हो, जय श्री राम। तो भाई मन से मांगिए बाबा से। जय श्री राम। पंडित जी नमस्कार। यहाँ पे एकदम ऐसा फील आ रहा है गाइस, यहाँ पे पूरा चार धाम लग रहा है एक हिसाब से देखा जाए तो। पूरा अशोक वाटिका लग रही है गाइस, अपने पंडित जी बैठे हुए हैं। पंडित जी जय श्री राम। तो गाइस माता रानी का प्यारा श्रृंगार किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। गाइस जूम करा के भी दिखा सकता हूँ मैं आपको। आप थोड़ा कीर्तन भजन वगैरह नहीं लगे हैं अभी, यहाँ पे कीर्तन भजन नहीं होते, कोई सॉन्ग वॉन्ग बजा देते, कोई गाने वाने, कोई भजन वजन बजा दो। शाम को होता है, अच्छा स्पीकर अभी नहीं बजेगा। तो ये जगह बच्चे भी आ चुके हैं, काफ़ी प्यारा नज़ारा गाइस। यहाँ पर आलीशान लग रहा है एकदम, मैया की फ़ोटो देख के तो गाइस तस्वीर देख के ऐसा लग रहा है। और पीछे भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी ये तस्वीर बना रखी है गाइस। ये जय शेरावाली मैया। चारों ओर इतना प्यारा लग रहा है मंदिर के। जीते जी स्वर्ग के दर्शन, जीते जी स्वर्ग के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। श्री गणेश जी, बगल में महादेव और पार्वती जी, बीच में अपनी नवदुर्गे मैया रानी। क्या नाम है माता जी का? जगदम्बा, जगदम्बे माता रानी, जगदम्बे मैया। बगल में शिव जी और पार्वती जी हैं, बगल में गणेश जी हैं। तो गाइस साक्षात जगदम्बा जी के दर्शन कीजिए आप लोगों के बीच। इतना प्यारा नज़ारा गाइस, मन खुश हो गया गाइस। यहाँ पे हर रोज़ की तरह मैं यहाँ पर फिर आया हूँ। देखो यहाँ पर भोले शंकर का शिवलिंग, और यहाँ पर दूध और जल चढ़ाया जाता है, और यहाँ पर भी एक वृक्ष है गाइस। वृक्ष का बड़ा महत्व है, हर चारों ओर परिक्रमा करने के लिए भी होता है ये। जैसे कि मुखानी पर दिखा रहा था मैं आपको, कालू साहिब पर दिखा रहा था, वही वृक्ष यहाँ पर भी है। गाइस बढ़िया एकदम पूजा हुई है, यहाँ पे बच्चे भी आए हुए हैं पूजा करने, काफी खुश नजर आ रहे हैं बच्चे। पानी में तो गीला ही होना है। तो गाइस अगर एक आध कोई कीर्तन भजन बजे होते ना गाइस, तो और लग्जरी मतलब मज़ा आ जाता गाइस, माहौल सा बन जाता। फिर भी ठीक है गाइस, शांति भी अच्छी लग रही है। क्या नाम है आपका? शुभ नाम अमन भाई आए हैं आपसे मिलने। तो हल्द्वानी से हो आप? अच्छा, सही। बच्चे भी आए हैं आपके, क्या नाम है? अच्छा दिल्ली से आए हैं बच्चे पूजा करने। अभी गेस्ट के रूप में यहाँ रुके हुए होंगे होटल पे, तो अभी आए हैं मंदिर में पूजा करने। अच्छा लोकल के हैं बच्चे? हाँ जी हाँ जी। कोई काफ़ी फैली हुई जगह में है ये मंदिर। रविंद्र जोशी ब्लॉग। गाइस बच्चे पूछ रहे हैं आपके चैनल का नाम क्या है, मैंने बता दिया। बच्चे काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं गाइस, अरे सब्सक्राइब कर देंगे आपको। थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। गाइस मंदिर की चारों ओर ऐसा लग रहा है गाइस, पूरा चार धाम में लग रहा है एक हिसाब से, पूरा चार धाम यात्रा। तो इतनी लंबी काफ़ी फैली हुई जगह में है गाइस ये, तो यहाँ पर हर किसी का सहयोग रहा होगा इसीलिए मंदिर। बाय बाय। तो गाइस बच्चे जा रहे हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं बच्चे एकदम। जय श्री राम, जय श्री राम।
जय श्री राम। बने रहिए गाइस, काफ़ी अच्छा यहाँ पे कल भी आया जाएगा यहाँ पे, जिस हिसाब से यहाँ पे देख रहा हूँ वातावरण और यहाँ पर का नज़ारा काफ़ी प्यारा नज़ारा है गाइस। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बिल्कुल आलीशान एकदम, और काफ़ी फैली हुई जगह मैंने देखी है गाइस। इधर पार्क बना रखा है, ये मंदिर की जगह है कि पंडित जी, सारी मंदिर की जगह है ना। तो गाइस राधा कृष्ण जी के दर्शन कीजिए साक्षात। तो गाइस ये मंदिर का पूरा पूरा खुली एरिया है गाइस एकदम। ये आम का वृक्ष यहाँ पर लगा हुआ है, बढ़िया पेड़ पौधे, पूरी हरियाली हो रही है गाइस चारों ओर। इधर वॉशरूम वगैरह बना रखा है शायद हटके। ये चारों ओर गाइस फुलवारी, बिल्कुल चार दीवारी बना रखी, बढ़िया फूल लगा रखे हैं एकदम मस्त। देखिए गाइस क्या नज़ारा है इधर का, सुबह का प्यारा प्यारा सीन। तो भाई ये देखिए मज़ा आ गया यार, मैं तो इस मंदिर को भूल गया था यार, अब तो इधर आते रहूँगा हफ्ते में दो तीन बारी। ओए ओए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से माँ जगदम्बा मंदिर समिति जगदम्बा नगर हल्द्वानी सब बैनर लगा हुआ है। तो गाइस काफ़ी प्यारा नज़ारा है इस मंदिर का, देखिए काफ़ी फैली हुई जगह में है, चारों ओर फूल लगा रखे हैं मंदिर के। और इसका जो लोकेशन है ना गाइस, जो मंदिर बना रखा है ना, जैसी कला है पूरा चार धाम की तरह, मतलब ऐसा बना रखा है कि लोग इसका बहुत प्यारा अच्छा लग रहा है गाइस। यहाँ पर वृक्ष के ऊपर टीन लगी हुई है, टीन शेड बढ़िया पैकेज हुआ है एकदम। ये गेट है मंदिर का, दो गेट हैं गाइस, एक उधर वाला गेट है, एक फ्रंट का, एक दूसरा। बाय बाय भैया, भैया बढ़िया बढ़िया, कल आओगे, कल मिलेंगे। जय श्री राम। रविंद्र जोशी ब्लॉग्स, हाँ मैं हूँ नैनीताल से रहने वाला हूँ, हल्द्वानी रहता हूँ वैसे, नैनीताल रामगढ़ का हूँ रहने वाला वैसे। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जय श्री राम। तो गाइस बालाजी बिल्कुल एकदम खुशी से बैठे हैं गाइस, आशीर्वाद ले रहे हो बालाजी से? मैंने तो ले लिया, बाबा का हाथ सदाई हाथ रहे सर पे अपना, बाबा जी की असीम कृपा बनी रहेगी। जगदम्बा माता मंदिर पहुंच गए गाइस आज हम, कुछ नया हो रहा है। तो गाइस चलिए चलते हैं बाबा जी के द्वार से आशीर्वाद लेके। तो गाइस काफ़ी प्यारा यार नज़ारा, मज़ा आ गया माँ कसम, यहाँ पर आके ना गाइस मन एकदम ऐसा हो गया ना गाइस, बिल्कुल बाबा जी की अपनी ओर खींचे जा रहे हैं भाई गाइस, बाबा जी को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है ऐसे यहाँ पर। पावन राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। तो गाइस क्या कहूँ, बहुत कुछ कह सकता हूँ गाइस, आप लोग भी कुछ सुनिए और कहिए मन से। तो गाइस बने रहिएगा ब्लॉग पे, बढ़िया। जो मेरे चैनल पर नए हैं गाइस वो भी आ जाइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल तबाह के गाइस, जिसका झिसकना बंद करो गाइस, बिल्कुल एकदम धड़ाक से दे दो गाइस लाइक, लाइक पे लाइक, लाइक पे लाइक गाइस। आपका अपना बजरंगी फैन रविंद्र जोशी ब्लॉग्स। ओए होए, तो गाइस ये मंदिर से मेरा ना जाने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, ऐसा सुकून यहाँ पर क्या बताऊँ गाइस। एक बार पाँव धो लेते हैं गाइस, मैं धूप बत्ती भी नहीं लाया, मैं दिल से मानता हूँ भगवान को, धूप बत्ती भी लेके नहीं आया, तो मन से ही धूप बत्ती कर लेते हैं बाबा जी के धाम पे, बाबा जी के चरणों पे गाइस। काफ़ी प्यारा नज़ारा है यहाँ पे, ये मंदिर का गेट है गाइस, ये फर्स्ट गेट है, देखिए वो सामने दूसरा गेट है वहाँ पर, वो सामने दूसरा, ये फर्स्ट, ये दूसरा। यहाँ पर की खूबी गाइस, क्या जगह है यार, साक्षात बालाजी बैठे हुए हैं गाइस, ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल बालाजी को, भगवान जी को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है और खींचे जा रहे हैं। मैं गेट तक दो बारी कोशिश कर ली मैंने घर को जाने की, बालाजी बार बार खींचे जा रहे हैं अंदर की ओर, आते रह रहा हूँ मैं, मन विचलित हो जा रहा है गाइस, जाने का मन ही नहीं कर रहा है बाहर की ओर। बाबा जी की ऐसी असीम कृपा है कि भक्ति भाव का अवसर जो मिला है गाइस, वो तो मैं काम धंधे पे थोड़ा वैसे बिजी हूँ गाइस, मैं काम धंधे से कोई मोह माया, मुझे पैसे से कोई मोह माया नहीं है गाइस,
मैं तो बस दिल का अमीर हूँ भाई, भगवान जी का सच्चा भक्त, बजरंगी का सच्चा फैन। जय जय सिया राम, हरि ओम हरि ओम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, बोलो राम राम बोलो राम। तो गाइस काफी प्यारा आलीशान नज़ारा, सुपर डुपर, जय श्री राम। चारों धामों की यात्रा एक जगह गई, जैसे तृप्त आत्मा हो गई एकदम, मज़ा आ गया आलीशान। तो चलिए गाइस चलते हैं बाबा जी से आशीर्वाद लेके, बाबा जी से आशीर्वाद लेके चलते हैं गाइस। अब निकलते हैं मुखानी की ओर, रूम पे चल के टांगते हैं बैग और निकलते हैं सीधे दुकान की ओर। जय हो, हरि ओम, नमः शिवाय। पंडित जी नमस्कार, कल मिलेंगे, कल चल अभी चलते हैं बाबा जी से दर्शन। जय जगदम्बा मैया की जय, जय माता रानी की जय, जय माता दी, जय जगदम्बे मैया। अपने भक्त पर कृपा बरसाओ माता, सारे दुख दर्द दूर, कलेश दूर हरो माता। सद्बुद्धि बल बुद्धि विद्या ज्ञान देव हरो कलेश विकार। चलिए गाइस माता रानी से आशीर्वाद ले लिया है, अब चलते हैं। चलो पंडित जी टीका लगा दो। जय श्री राम, जय माता रानी। तो गाइस बने रहिएगा बैक टू बैक रविंद्र जोशी ब्लॉग पे, जो मेरे चैनल पे नए हैं गाइस वो भी ध्यान दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू, बाय। जय माता रानी। तो गाइस मैं आ गया हूँ टीका लगा के बाहर की ओर, अब निकलते हैं रूम की ओर। तो फाइनली मैं रूम पे पहुँच चुका हूँ, और गाइस आज बढ़िया मीठा खाने को मिल रहा है, सिस्टर ने बना रखा है मीठा। क्या नाम है इसका? ओट्स बना रखा है गाइस, ओट्स मीठा, चीनी शक्कर डाल के और बढ़िया दूध डाला है इसमें, आंचल की दूध और चीनी डाल के बढ़िया ओट्स बना रखा है। काफ़ी लजीज हो रहा है गाइस, एक नंबर बिल्कुल। पहले भगवान जी के लिए, फिर आप लोगों के लिए गाइस। सबसे पहले अपने भगवान जी के लिए है ये, बाबा जी के लिए सबसे पहले, फिर ये आप लोगों का, फिर और ये मेरा सारा का सारा। तो गाइस चलिए, भगवान जी ने तो खा लिया है, भोग लगा दिया भगवान जी को, अब आप लोग खाइए, फिर उसके बाद मैं खाऊंगा गाइस। चलो अब मेरी बारी, काफ़ी टेस्टी हो रहा है गाइस एकदम, सिस्टर ने बना रखा है। तो गाइस सब चलते हैं दुकान की ओर खा के, बढ़िया शॉप खोलते हैं और काम धंधा करते हैं। चलिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बने रहिएगा ब्लॉग पे। देखते हैं आज नया ब्लॉग फिर शाम की ओर बनाएंगे, कल फिर बनेगा। तो गाइस बने रहिएगा रोज़ बैक टू बैक, बाय बाय।